ओके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और रमजान का महीना आ चुका है तो मैंने सोचा क्यों ना डेली व्लॉगिंग को स्टार्ट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है इस पे व्लॉग्स तो आते हैं पर बहुत ही दिनों दिनों के बाद में आते हैं। तो आई वाज लाइक यार, रमजान एक अच्छा मौका है जिसमें मैं आप लोगों को हर रोज कुछ ना कुछ नया वीडियो बना करके दे सकता हूँ। वैसे एक चीज बता दो दोस्तों कि रमजान में हमें सुबह 3 बजे उठना पड़ता है एंड उसके बाद सहरी करनी पड़ती है। सहरी करने के बाद आप 4 बजे तक सहरी कर सकते हैं लेकिन उसके बाद आप ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको शाम 6 बजे के बाद ही फिर कुछ खाना पीना है जो कि मगरिब का वक्त होता है। अलग अलग रीज़न में अलग अलग टाइम होती है दोस्तों, कहीं 16 घंटे का भी होता है, कहीं 18 19 घंटे का भी होता है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी टाइमिंग हो सकती है। माशाल्लाह मैं जहाँ पे रहता हूँ दोस्तों पटना में, यहाँ पे बहुत बड़ी टाइमिंग नहीं है, बस सुबह 4 से शाम 6 बजे तक है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है सुबह सुबह उठना, क्योंकि मैं यहाँ पे रात में काम करने वालों में से हूँ एंड अभी रात के 1:30 बज रहे हैं दोस्तों। मैं जगा हुआ हूँ, नींद आ रही है, सोने की कोशिश कर रहा हूँ पर सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। सो लेट्स फिनिश आवर वर्क एंड फिर सोने का तो टाइम बचेगा नहीं, तो सहरी करके ही सो पाऊंगा आज। ओ भाई, भैया अभी बज चुके हैं सुबह के 3 और ब्रश करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ खाना है। तो खाने से पहले ब्रश करना अच्छी बात है क्योंकि रोज़ा रह करके आप ब्रश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेस्ट में होती है टेस्ट और अगर मिलेगी टेस्ट तो टूट जाएगा रोज़ा। तो आप कर सकते हैं मिसवाक या फिर दातून, बट अभी मिसवाक दातून नहीं है एंड अभी रोज़ा सहरी से पहले मैं कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है। अरे बच्चा, तुम तो रोज़ा नहीं रहेगा, सहरी क्यों कर रहा है? हाँ रहेगा रोज़ा। कौन सा रोज़ा? खाता पीता रोज़ा? हाँ नींद में। तो हमारे साथ है रियान अख्तर और इन्होंने चैलेंज लगाया है कि अगर ये एक रोज़ा रख लेते हैं तो मुझे 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमें तो चैलेंज एक्सेप्ट है, क्या आप एक रोज़ा रखेंगे? हाँ। लेट्स सी, अगर आपको कल मैंने खाते पीते देख लिया तो आप मुझे 20 रुपए देंगे। तो अभी अभी नींद खुली है यार, दोपहर के 12 बज चुके हैं एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सहरी के बाद भी मैं कुछ देर जगा हुआ था वीडियो बनाने के लिए एंड मैंने कुछ ये वाला इंट्रो बनाया है रियलमी X7 के लिए, देख लो। यार ये धूप बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्त, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई होप कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए यार। ओ भाई, अलेक्सा ओपन कुरान। वेलकम टू होली कुरान वॉइस ऐप। प्ले चैप्टर 1। प्ले चैप्टर द ओपनिंग। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وريان क्या हुआ? क्या हो गया बताओ? अभी तक कुछ भी नहीं खाया 20 रुपया जीतने के चक्कर में।
जाओ पानी पी लो, जाओ। नहीं पीने तो नहीं पीने। अभी 3 घंटा बाकी है इफ्तार में, सोच लो। हम 7 घंटे लगे तो 3 घंटा और पढ़ लो। कितना लोगे 3 घंटा और? हाँ 10 घंटा बुक कर। ए बच्ची तुम क्या कर रही है? हाँ रोजा नहीं है? तुम रोजा हो? हम तो तुमको खाते पीते देखे है। किसको खिला रही है? कौन सा सामान है ये? इसमें तुम चप्पल डाली है। छी चप्पल निकाल के फेंको, रखो उधर चप्पल निकाल के। डॉल को ना सुलाया जाता इसमें। तुम क्या कर रहा है? तुम्हारा दिन भर मोबाइल ही चलेगा? हाँ मोबाइल रखो, चलो रमजान का महीना शुरू हो गया, चलो 1 महीना तक कोई मोबाइल वोबाइल नहीं मिलेगा। रखो रखो जाओ मोबाइल रखो, मोबाइल रखो। एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे एडिटिंग को रेंडरिंग में लगा दिया हूँ, तो ये वीडियो टॉप 5 गैजेट्स वाली जो कि मैंने 2-3 दिन पहले शूट किया था लेकिन आज जाकर के एडिट हो पाई है, तो काफ़ी अच्छा गुजर रहा है दोस्तों। अभी तक तो रमज़ान रोज़ा जो है काफ़ी सही लग रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी क्योंकि आज इंडोर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आउटडोर काम करता होगा दोस्तों उस दिन मेरी हालत ख़राब होने वाली है। अनियान क्या खा रही है? रोज़ा क्यों नहीं है? तू रोजा क्यों नहीं है? क्यों खा रही है? हाँ तू रोजा क्यों नहीं रहती है? भूख लगा है रियान? नहीं सच में? कैसे रह गया जी तू? एक चैलेंज के लिए तुम इतना देर तक भूखा रह गया क्यों? पैसा? सिर्फ पैसा के लिए? दोस्तों मुझे तो सबसे ज़्यादा इस बात पे आश्चर्यचकित मैं हो चुका हूँ कि ये बच्चा, ये छोटा सा बच्चा आज पूरा रोज़ा पूरा दिन बिना खाए पिए, वो पत्थर मत फेंको किसी को चोट लग जाएगा, पूरा दिन बिना खाए पिए रह गया। अभी हम लोग दूध लेकर के आ रहे हैं तो इफ्तार के बाद क्या खाएगा? दूध रोटी कि चाय पिएगा? है चाय पिएगा बस इफ्तार में अब कितना देर बाकी है रियान? बताओ बताओ इधर बताओ। इफ्तार में अभी आधा घंटा बाकी है इफ्तार में, आधा घंटा और गुजार लो फिर तुम 20 रुपए जीत जाओगे। रोजा चालू हो रहा है? हाँ। ना हमको मन नहीं, हमको सोना है। हाँ, और हमको नींद आ रहा है। बचपन में आपको दान दिए थे जब रोजा नहीं आए थे। हाँ, तो जाए जाके इफ्तार करना शुरू करें। हाँ। पर अजान तो नहीं हुआ है? अजान हो गया। कब हुआ? हो गया। अभी नहीं हुआ है? नहीं हो गया। ठीक है हो गया। ओके मोबाइल नहीं चला रहे, वीडियो बना रहे और मिसवाक कर रहे, मिसवाक दांत धो रहे, मिसवाक कर रहे हैं। इफ्तार हो गया, रात के अभी 9 बज रहे हैं एंड इस बच्चे ने टीवी चालू करके क्रिकेट लगा दिया है देखने के लिए। कम से कम कुछ तो बर्दाश्त कर लो, थोड़ा देर टीवी बंद ही रखो। इतने बड़े क्रिकेट के फैन क्यों हो? स्टेडियम में नाम लिखवा दें, इंडिया टीम में खेलोगे? ये क्रिकेटर बने हैं।